हेलो। हेलो, बोलो क्या यार, अभी भी एक लड़की मिली थी, उसके फ्लर्ट कर कर रहा था। रहे थे? अच्छा जी, फ्लड कर रहे थे? उसके होठ देख के, ओ माय गॉड, क्या होठ थे उसके, किस करने का मन कर रहा था मतलब आपको उसके वोट अच्छे लगे? बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर फिर उसने मुझसे पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, मैं सिंगल हूँ। अच्छा, मतलब फ्लर्टिंग इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई आपकी? हाँ, अच्छा, मिलने फिर की कह आपने रही उसे थी। गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में नहीं सोचा? हाँ, मैंने कह दी, मैंने कि मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? तो उसने ओके, फिर फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अच्छा, फिर आप डेट पे नहीं जा रहे हो? हाँ, डेट पे जाने की भी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, वो तो कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है सब कुछ? अच्छा, हाँ चलो बढ़िया है। क्या बढ़िया है। अच्छा ना, आपने गर्लफ्रेंड बना ली, डेट के बारे में सोच लिया? बदल गए ना तुम? मतलब मतलब जो बोलूं मुझसे कुछ भी? पहले मिली थी, 1 महीना पहले थी जो लड़की, अगर उसको मैं इतना बोलता ना, तो इधर लड़ाई झगड़ा, ओ माय गॉड, पता नहीं क्या क्या हो गया था। अच्छा, वैसे मैं एक बात पूछूं, उस लड़की का नाम क्या था? अब कोई लड़की नहीं थी, मैं कर रहा था। नहीं, जो आपसे 1 महीने पहले लड़की मिली थी उसका नाम क्या था? रिया, अच्छा, और अब वो अब कौन है? अब रिया इन दोनों में डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि जो पहले मिली थी ना, उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, अब कोई समेट नहीं पा रहा था। बट जो अब अच्छा। मिली है ना, उसका दिल अब समेट लिया गया, ने जुड़ चुका है, और अच्छा, उसको भरोसा दिला दिया गया है कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं भी एक बात बताऊं, जब कोई इतनी बुरी तरह से चीट करता है ना, तो थोड़ा ट्रस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ होती है। बट कोई आपके जैसा बंदा मिले, मतलब इतना लविंग, इतना केयरिंग, तो किसी ना हर किसी लड़की को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आपको पता नहीं है क्या? बढ़िया, खुशी मिली, चलो फाइनली आप चेंज हो गए। हाँ, मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं चेंज हो जाऊंगी, बट आपने तो चेंज ही कर दिया मुझे बिल्कुल। बताओ वैसे एक बात कहूँ यार, हम प्यार कर लेते हैं बड़ी जल्दी, जब गर्लफ्रेंड बन गई, बॉयफ्रेंड बन गया, अच्छे लगे, प्यार कर लिया, बट उन्हें थोड़ी भी कमी दिखती है ना हमें, तो ये नहीं सोचते कि यार जी हमारा प्यार है, वो बंदा, अगर बंदा है, बंदी गलत है, तो इसको क्या हम चेंज भी तो कर सकते हैं? सही बचपन से बात तो कोई है। ऐसा नहीं हो सकता ना। अब अगर उस बस टाइम, बोलो आप, बोले, आप बोलो। अब अगर उस टाइम कोई और होता ना मेरी जगह, तो एक ही काम करता, हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाता, मैं भी और वही शायद आप कहने बुरी वाली तरह थी, टूट जाते, और तो मैं भी कभी वही कहने वाली थी कि दोबारा जुड़ भी नहीं पाते यार। मेरा इतना साइको बना देख के, मतलब इतना पागलपना कि हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा देख के, तो कोई भी बंदा छोड़ जाता, और क्या होता मेरे से, मैं वापस से हट हो जाती। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप मिले, आपने मुझे संभाला, समझाया। मुझे नहीं पता था कि मुझे तभी कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिलेगा। थैंक यू सो मच। बट यार, बात सिर्फ मेरी नहीं है, जितने प्यार करते हैं ना, उनको एक बार सोचना चाहिए, बिकॉज जितने भी लोग हैं ना, वो अगर हम दोनों की स्टोरी सुनते ना, तो वो जब हमारी लड़ाई हो रही थी, तब तो एक ही बात कहते, कि अरे लड़की लड़की पागल बहुत, है। लड़की पागल है, छोड़ दे भाई इसको, ब्रेकअप हाँ, कर ले, ब्रेकअप कर ले। तो वही तो मैं भी कह रही हूँ कि ना, कोई भी सबकी होता तो आपकी थिंकिंग जगह वही पे, है। कोई भी होता तो मुझे छोड़ के चले जाता, बट आप नहीं गए, आपने संभाला, आपने समझाया। एक बात बताऊँ, अब मुझे आपके ऊपर इतना इतना ज्यादा ट्रस्ट है ना, आपको, आप भी खुद भी कहो ना सामने से कि लड़की के साथ बैठा हूँ मैं, तभी मैं ट्रस्ट नहीं करूंगी लड़की के संग बैठे हो आप, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे बहुत 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 सारा वाला प्यार करते हो, कभी छोड़ के भी नहीं जाओगे। थैंक यू सो मच। वही तो मैं कह रहा हूँ यार, कि जब हमारे प्यार में कोई कमी आती है ना, तो हम एक ही चीज देखते हैं, यार छोड़ दो इसको, ब्रेकअप कर ले, ब्रेकअप। लेकिन यार, जिससे हमने प्यार किया है, क्या उसको हम थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? अफोर्ड नहीं डाल सकते कि यार वो बंदा पूरी तरह तो कोई बुरा नहीं होता, सही पूरी बात तरह कोई है। अच्छा भी नहीं होता, तो इसलिए उसकी क्या बुराई नहीं निकाल सकते हम? लेकिन कोई कोई नहीं करता है, हर कोई कहता है अरे हटाओ, ब्रेकअप करो, दूसरी पटाओ, ब्रेकअप करो, दूसरी पटाओ। वैसे एक बात तो मुझे समझ में आ गई जो आपने मुझसे कही, कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बंदे को एक नए से मत देखो। मैं मतलब आपको वही समझ रही थी जो मेरा पहले था, बट ऐसा कुछ नहीं था, आप तो बिल्कुल ही अपोजिट हो उससे। और थैंक यू, लेकिन यार जितने प्यार करने वाले हैं, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आप मिले, थैंक यू, लेकिन जितने प्यार करने वाले हैं ना, ठीक है ना? आप उन ज्यादा सबको, थैंक यू मत बोलो, हाँ ठीक है, ठीक है? मैं बोलूं बोलो।
हमारी तो लव स्टोरी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन जितने प्यार काम करने में भी वाले हैं ना। सक्सेसफुल, अभी तो शादी करनी है, शादी के हाँ आगे क्या क्या बाबा, करना हाँ है। बाबा, मतलब आप तो सुधर गए ना, तो अब तो शादी वादी हो जाएगी। लेकिन वो भी मैंने प्यार, बिगड़ी हुई थी। बोलो अरे बाबा मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, लेकिन बोलो जितने प्यार करने वाले हैं ना, बोलो। उनको भी ये चीज देखनी चाहिए कि अगर कोई लड़की या लड़का थोड़ा खराब है, उनकी तुम्हें खराबी पता चले, तो इसका मतलब ये नहीं है उसको बट छोड़ मैं दो एक बात यार। बोलूँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना, हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। तो वही तो कह रहा हूँ, हर किसी थिंकिंग, मैं जैसा कि खुद आप बता रहा सोच हूँ। रहे हो वैसा भी कोई दूसरा नहीं सोचेगा। जैसे कि आप सोच रहे थे वैसा मैं बिल्कुल नहीं सोची थी, मैं तो बिल्कुल अपोजिट सोच रही थी। क्यों? उस लड़के की थिंकिंग के हिसाब से, बट अब थिंकिंग अलग है ना। तो मैं पागल डम्बो, 1 मिनट चुप होगी, मेरी बात सुनोगे जभी तो समझोगे। इतना तो समझ गई, बोलो बोलो, ये भी समझ जाऊंगा। डम्बो मैं वही कह रहा हूँ कि पता अगर है मुझे हम क्या लग रहा है, आप ना मेरे बॉयफ्रेंड का वो टीचर ज्यादा बन गए। हाँ तो चुपचाप सुन लो अपने टीचर का, ठीक है ना। सुन ही रही हूँ मैं, ये ना हो गलती पे डंडे भी पड़ जाए। क्यों वो तो शादी बात पड़ेंगे, आप बात सुन लोगे। नहीं, देखो क्यों नहीं, बोलो। अगर हमारी लव स्टोरी अभी किसी के सामने रखते ना, एंड बताने से पहले, तो पता है सामने वाला कहता, अरे लड़की कहती यार छोड़ दे भाई छोड़ दे, वो तेरे लिए सही नहीं है। मैंने पहले कहा था उसको माफ मत करो, तेरे लिए सही नहीं है। बट किसी एक ने ये नहीं कहा, कोई एक ये नहीं कहेगा कि उसको एक चांस कि दे। उसको एक चांस दे, और उसकी आखिर वजह क्या, उसको सुधारने कोशिश तो कर, कोई एक ने मतलब नहीं कोई कहेगा। ये नहीं सोचता कि उसके बारे में जानने की कोशिश कर, कोई उसकी तकलीफ होगी जिस नहीं सब वजह से बस वो ऐसा छोड़ कर दो, रही है। उनका एक ही ट्रिक होती है, ब्रेकअप छोड़ दो, हाँ, ब्रेकअप फिर छोड़ दो। ब्रेकअप कर लो, फिर दूसरी लड़की पटा लो, फिर दूसरी लड़की भी ऐसी निकल गई तो उसको तो भी उसको छोड़ छोड़ दो, लो। आगे बढ़ जाओ। मतलब हाँ, मतलब उनके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी होता है। वो प्यार नहीं होता, वो सिर्फ एक टाइम पास होता है। वो प्यार पता है क्या उन होता है? क्या होता है आपको पता है? मुझे पता है बताओ। हाँ, कि कोई तुम्हारी ट्रिप खराब हो जाए तो उसको सही करने की सोचो, ये नहीं है कि खराब हो हटा, फैक्ट। प्यार ये नहीं होता है। और सबको, मतलब सबको परफेक्ट चाहिए, और जो परफेक्ट नहीं है उसको छोड़ दो। तो जो अनपरफेक्ट है क्या उसको परफेक्ट नहीं बनाया जा सकता? सही और बात मैं है, सबसे बड़ी, परफेक्ट मैं बनाया सारे जाता आपकी है भी ना। करूंगा, जो आप जैसी लड़कियां होती है ना, कि तुमने अंदर है चाह कि नहीं मुझे भरोसा करना है, मुझे सुधारना है, मुझे साइकोपना नहीं लाना है अपने अंदर, मुझे इस पर भरोसा करना है। अगर आप ही जाते हैं कि नहीं नहीं लाना, भरोसा नहीं करना, नहीं करना नहीं करना, साइकोपना ही करना साइकोपना ही करना, तो एट द लास्ट थक हार के मैं भी चला ही जाता। सही बात है। बट आपने भी मतलब सोचा कि आपको जैसे कि सुधारना है। हाँ एडजस्ट एक जना नहीं कर सकता, दोनों जने कर सकते हैं। आप भी थोड़ा उसी एडजस्ट को करोगे प्यार तो कहते मुझे भी हैं। करना पड़ेगा। और ये नहीं है गलतियां सिर्फ मैं ही करूँ, सॉरी आप बोलो, आप भी सॉरी बोल सकते हो, मैं भी सॉरी बोल सकती हूँ, दोनों ही गलती भी कोई तो वही बोल तो, सकता अब है। जैसे आपने गलती की, आप, मैं मानता हूँ कि आपने गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, गलती करने के बाद आपने वो गलती एक्सेप्ट भी की और माफी भी मांगी। वहीं पे मुझे अंदर ये रियलाइज था कि जो बंदी गलती करती है बट सॉरी बोलती है, माफी मांगती है, इसका मतलब है सुधारना चाहती है, सुधारना चाहती है, और जो सुधर भी सकती है। और जब आपने वो सारी बातें मैं एक बताई, बात मेरे साथ ये हुआ बताऊं, वो हुआ, उसके बाद मेरे को 100% श्योर हो गया कि बंदी सुधरेगी। बोलो। रिश्ता ऐसे नहीं चलता है। मतलब हम भी अपनी ईगो में रहे, जैसे कि मैं लड़ रही थी, आप भी लड़ते रहे, आप भी लड़ते रहे, फिर मैंने आपको सॉरी बोला, आप मुझे माफ नहीं करते, तो ये क्या होता? आपका भी एटीट्यूड रहता, मेरा भी एटीट्यूड रहता, ये तो कोई बात ही नहीं। अब मैं झुकी या फिर आप झुके, तो दो एक ना एक को तो झुकना पड़ेगा, तभी तो रिश्ता चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। वही तो रिश्ता यही होता है, जहां पे थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, हाँ सही बात है। सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ती है, ना कि उसके हाल बात छोड़ दो और बोल दो ये मेरे लायक नहीं है। और ना उसे समझो, ना उसकी कदर करो। पता है अंदर से हर कोई चाहता है सुधरना, हर कोई चाहता है परफेक्ट बनना, बढ़िया कोई सामने वाला तुम्हारा हाथ तो थामे। कोई होना चाहिए साथ हर कोई ऐसे। बुरा वैसे बोल के छोड़ जाएगा तो फिर इंसान एक तो कुछ बात कर ही नहीं बोलूं, पाएगा। मैं तो बहुत 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 ज्यादा वाला खुश हूँ। पता है क्यों? बताओ क्यों क्यों तुम क्यों? तुम्हें तो पता ही होगा मैं खुश हूँ, तो तुम्हें तो पता ही होगा। जी पागल बच्चा होने वाला है क्या? हो क्या? तो तो बोलो ना, मुझे नहीं पूछते कैसे पता। हो? अभी से फ्यूचर प्लानिंग कर हाँ तो लिया बोलो आपने, ना। मुझे आप मिले अभी तक नहीं पता, मतलब हद होती है। ओह थैंक यू सो मच मैडम। अच्छा बहुत देर से अच्छा थैंक यू बोले चले जा रहे हो। वैसे एक बात मैं बोलूँ, बोलो। अब घर में शादी बात करने का कोई इरादा है? बिल्कुल अब प्लीज यहाँ पे अगर बिल्कुल। फैमिली मना करे या कुछ हो जाए, लड़ाई हो, तो यूँ मत बोलना, साथ साथ दोनों साथ निभाएंगे और शादी तो हो ही जाएगी, ठीक है ना।
फिर मुझे ही लगता है आपकी मेरी फैमिली फैमिली तो आपको मना करेगी। करने वाली नहीं, आप अपनी फैमिली की सोच वो लो। हेलो, मेरी फैमिली कोई मना नहीं करेगी, ठीक है ना? हाँ तो वही कह रही हूँ, आप अपनी फैमिली की सोचो, मेरी फैमिली तो मना नहीं करेगी। अच्छा, हाँ जी फिर तो बढ़िया यार हमारी। चलो, हमारी स्टार्टिंग में जो भी हुआ, लड़ाइयाँ हुई, जो भी हुआ, इतना जो भी हुआ, लेकिन एंड द लास्ट वो तो इस मुझे चीज पता में कि तो शादी के बाद आपको ही झुक के चलना है। कौन डम्बो मैं तो झुक के चलूंगा। आप ही झुक के चल, मैं झुक के चलूंगी क्या? कि कुछ वो ना बेकार में वो जो खा भी तुम गाली, समझो तो मैं झुक के चलूंगी क्या? हाँ भाई, चला लेना। पति तो ऐसे बेचारा झुक के चलना पड़ता है उसको पूरी लाइफ। नहीं, आपकी फुल रिस्पेक्ट होगी, आपकी फुल फुल इज्जत होगी, ऐसी क्या बात है? नहीं लेकिन एक बात तो अच्छी आपके हो गई वही ना यार, पति परमेश्वर हो एक बात तो अच्छी हो गई ना। देखो, क्या? स्टार्टिंग में हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, मतलब लड़ाई वड़ाई, लेकिन एट द लास्ट। हमारे स्टार्टिंग में पता है क्या हुआ था? हमने पबजी गेम की तरह अपना रिलेशन स्टार्ट किया था। जैसा कि जैसे कि स्टार्ट होता था तो कैसे आराम आराम से चलता है वो, बिना टेंशन के, कोई आ रहा ही नहीं है, फिर सब आने लग जाते हैं, सब मारते हैं, सब मारते हैं, सब मारते हैं, फिर मरने एक वाला लंबी होता लड़ाई। है। हाँ फिर वो लंबी लड़ाई चलती है, फिर लास्ट में एट द लास्ट वो जीत जाता है, तब शांति मिलती है, हाँ हम जीत गए। ऐसे हमारे साथ हुआ, हम भी मरने वाले थे बट हमने लड़ाई लड़ी और हम जीत गए। तो वो जो कुछ सेकंड का वो दिखाते हैं कि यू आर ए चिकन डिनर, तब जब फायरिंग हाँ होती है, हाँ तेरी वो वाला माइंड हमारे साथ गया। हुआ। वाह भाई, मतलब तुम तो ऐसे पबजी खेलती नहीं हो, बट इतनी लॉजिक नॉलेज, लगाया मैंने, क्या लॉजिक, बात है, इतनी भी लॉजिक। डब्बू नहीं हूँ मैं। नहीं डम्बो तो खैर हो, लॉजिक लगाने से क्या होता, डम्बो तो हो ही ना तुम। हाँ ठीक है ठीक है, ज्यादा मत बोलो। और जल्दी शादी करनी है तो मैं सोचा हूँ शेविंग वेविंग भी बनवा लूँ फटाफट। कल ही कर रहे हो क्या? कल ही करनी है क्या? तो अब ज्यादा रुकने का क्या मतलब, अब जब सारी व्हाट बात डू यू हो गई। मीन कल ही करोगे या नहीं मतलब दूसरे? कल नहीं, लेकिन अब ज्यादा रुकने का क्या टाइम, फटाफट अभी तो मैंने जल्दी बताया भी नहीं है, अभी बताना तो। हाँ पड़ेगा। तो बताओ जल्दी से। देखो मैं बता रहा हूँ कितने दिन में हो जाएगी, कल बताओगे ठीक है ना? कल और परसों तक हमारा वो क्या बोलते हैं, वो अंगूठियाँ पहनाते हैं, अच्छा एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, वो हो जाएगी ठीक है ना? और 2 दिन बाद शादी, अच्छा एक फिर हफ्ते के दो दिन अंदर के आप बाद यहाँ वो भी पे कर लेंगे फिर। बेबी। हाँ फिर एक साल बाद बेबी हमारे साथ, जा वो कितने पागल हो तुम, क्या पागल। तो अब ये देखो यार, 4G जमाना है, अब तो 5G जो भी लॉन्च हो मतलब गया है। हाँ तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, इसमें क्या है कि अब बताएंगे फिर हमारे घर वाले एक सेकंड सोचेंगे। क्या है पता है ना, सब्र का फल बहुत ही ज्यादा मीठा होता है, तो आप सब्र तो रखो, इतना फल सबर कर मीठा लिया, और मिलेगा। ज्यादा फल वहां पे रखने से ना फल सड़ जाता है, तो मैं नहीं चाहता सड़ने से फल पहले सड़े आपको है। फल मिल जाएगा, टेंशन ना ले आप, नहीं, इस संडे का वेट क्यों करना, मतलब तो सड़ेगा ही नहीं ना, आपको मिल जाएगा उससे पहले। बताओ आप अभी नहीं बताओ घर पे। मतलब इतनी हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं अभी जाके बता दूं मम्मी ऐसे करके, मम्मी मेरे डायरेक्ट कार से मार दे कहो, तुम्हारी फालतू में, फैमिली तो तो मान जाएगी ना? मतलब इतनी अड़बड़ी में थोड़ी बताऊंगी, आराम से प्यार से बताऊंगी अच्छा, ना। पहले हाँ घर वालों को पाटली में उनका, उतार हो गए हैं। हाँ मतलब थोड़ा घर का काम भी करना पड़ेगा ना, थोड़ा मक्खन आना पड़ता कुछ काम करवाने मतलब के रोटी लिए। वोटी बेलोगे, दिखाओगे मम्मी को, मम्मी शादी के लायक हो गई हूँ, फिर घर वाले हाँ कहेंगे बेटा तू हाँ शादी के लायक हो गई है, तो मम्मी आप। बोले कि तू बड़ी हो गई है, फिर मम्मी को बताऊंगी मम्मी मैं सच में बड़ी हो गई हूँ फिर ऐसा। मम्मी मम्मी अच्छा है फिर। अच्छा चलो मैं, मेरा तो ठीक है, मैं घर के काम करके मम्मी को बता दूंगी मैं बड़ी हो गई शादी लायक, आप कैसे बताओगे? मेरा क्या, मैं डायरेक्ट जाऊंगा बोलूंगा मम्मी ये लड़की है, मैं इसको पसंद करता हूँ, देन शादी करा हाँ तो मेरी दूंगी। मम्मी कहती है हाँ बेटे चलो बेटे चले शादी करने हाँ मेरी हैं मम्मी ऐसा ही कहेंगी। तो से। पता नहीं हम लड़कों के घर में बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कों में प्रॉब्लम हो, और ना हम लड़कों में प्रॉब्लम नहीं है, तो हम छाती ठोक के घर वालों से बोल देते हैं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, वो तो मुझे पता है कितना अब तुम्हें तो पता ही है मैं अपने पैरों पे भी खड़ा हूँ, अपना कर भी डरते रहा हो हूँ, तुम। नहीं करियर किसी भी और के है। पैरों पर खड़ी हूँ अरे क्या? मतलब बोलने का मतलब करियर के बारे में बोल रहा हूँ, डम्बो ऐसे बोला था डम्बो कि हाँ क्यों, मेरा करियर भी वो है बढ़िया है तो तुम खुद समझ नहीं सेट। रही इतनी छोटी सी बात, तो इसमें क्या इतनी मैंने छोटी तो सी बात मजाक भी समझ नहीं आ किया था रही। छोटा सा। हाँ तो ठीक है ना, मजाक किया था, मैं मना कर रहा हूँ। अब देखो फटाफट जल्दी शादी होगी, छोटे छोटे बेबी होंगे ठीक है ना? अच्छा हाँ तो फिर मैं फिर जाऊं घर का काम करूं फिर। हाँ घर का काम करो, मम्मी को बाटली में उतारो, घर वालों को बाटली में उतारो, और बस। ठीक ठीक है चलो फिर मैं आपको रात में कॉल करती हूँ है ना। ओके पागल, डम्बो तो नाम अच्छा रखा है ना अरे इसमें ने, डम्बो शट अप, बंद दिमाग बोलना मत, गुस्सा पड़ेगा मुझे तो मैं तुम्हें। तो बोलूंगा, नहीं, डम्बो हो तुम, डम्बो हाँ बस मुंह बंद कर लो। डम्बो ही रहोगे। हाँ हाँ ठीक है आपके लिए हूँ बस, ठीक चलो आई लव यू, मेरे लिए नहीं है तुम हो ही बाय बाय। डम्बो, हाँ ठीक है बाय बाय, लव आई यू लव यू, प्यार से बोल के आओ, लव यू बाय। बाय।